छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में बस पलटने से 8 यात्री घायल हो गए। बस कवर्धा से पिपरिया जा रही थी, तभी रास्ते में बस का पट्टा टूट गया। बस अनियंत्रित होकर पलट गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कवर्धा से पिपरिया मां ट्रेवल्स की बस जा रही थी और जो इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन आया उसमें कि पट्टा टूट गया तो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हाईवे से शराब की दुकानें हटने लगी हैं और अब शराब व्यापारी दुकान के लिए जमीन तलाश रहे हैं। कवर्धा में हाईवे से दुकान हटाकर रिहायशी इलाके में दुकान खोले जाने का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। पहले भी स्थानीय निवासी कलेक्ट्रेट का घेराव कर चुके हैं। वहीं कलेक्टर ने इसे छिटपुट असहमति बताया और कहा जिन्हें शराब नहीं पीनी है वो शांति से विरोध करें। विश्वविद्यालय और इस मोहल्ले में ज्यादा आबादी युवाओं की है और यहाँ पे बाहर से भी युवा आके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ पर का माहौल जो है दूषित हो जाएगा शराब भट्टी खुलने से। और पहली बात तो ये यहाँ पे गाली गलौच ये सब चोरी चपाटी तो शुरू ही हो जाएगी।